जब भी बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सौदा थोड़ा महंगा है, लेकिन टाटा ने टियागो ईवी लॉन्च करके मार्केट में एक प्राइस वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद बाकी कंपनीज भी अब प्राइस को लेकर एक्टिव हो चुकी है। इसमें पहला नाम है MG मोटर्स। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्राइस के मामले में अभी टाटा मोटर्स सबसे आगे चल रही है, जिसने रिसेंटली 8.5 लाख रुपए में टियागो ईवी लॉन्च की थी, और अब MG मोटर्स भी आपके लिए सस्ती इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रही है। MG मोटर्स इंडिया के प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी कार में यूज होने वाली बैटरीज को लोकली सोर्स करेगी ताकि कार प्राइस कॉम्पिटिटिव बना सके। साथ ही मार्केट में इस इलेक्ट्रिक कार के साथ अगले साल सेल्स का 1/4 रेवेन्यू करने की प्लानिंग चल रही है। अब आपको बता दें कि आखिर MG मोटर्स अपना प्राइस कितना रखने वाली है। MG की ये न्यू इलेक्ट्रिक कार 11 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में होगी। अभी कंपनी ईवी सेगमेंट में ऑलरेडी ZS EV मार्केट में सेल आउट कर रही है, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर होती है हालोल गुजरात में। टाटा मोटर्स की बात करें तो जो इस वक्त लीड कर रही है इंडस्ट्री में अपने 3 मॉडल टियागो, टिगोर और निक्सॉन के साथ, जिनकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 8.5 लाख रुपए से लेकर 17.5 लाख रुपए के बीच में है, और कंपनी ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर को 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्लोज करने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, पावर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।